पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके के मोहल्ला नई बस्ती का है। पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए बताया कि फहीम नाम का आरोपी बीच सड़क से एक बच्ची का अपहरण करके अपने साथ ले गया। दरअसल जैसे ही परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया था। पुलिस ने आनन फानन में बच्ची की तलाश शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला फहीम नाम का शख्स बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से पहचान करके पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अट्ठाईस तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास फहीम पुत्र खलील अहमद, इन्होंने वार्ड नंबर 4 ठाकुरद्वारा के निवासी हैं, इन्होंने माजिद हुसैन की पुत्री है 9 वर्ष की, वह बोल नहीं पाती है, इन्होंने इनका अपहरण कर लिया था। तो ये सूचना मिलने के बाद उनके माता पिता ने आके तहरीर दी, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मुकदमा नंबर 413 दर्ज हो गया था 463 में। उसके बाद में हम लोगों ने अपनी टीम लगा दी थी उनको ढूंढने के लिए, मौके पर गए थे, वहाँ जाके पता चला फहीम भी मेंटली चैलेंज है। उसकी माँ ने उसके कागज़ भी दिखाए कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम है और वो शादीशुदा है, उसके 5 बच्चे हैं। हम लोगों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, हम लोगों ने 3 टीमें भेजी और लड़की को हमने 24 घंटे में बरामद कर लिया था। उसको हमने काशीपुर से बरामद किया था, वहाँ पे हमने उसको विभाग के चेक पोस्ट के पास हमने उसको रात को 10:50 पे हमने उसको बरामद कर लिया था। लड़की का स्वास्थ्य ठीक है लेकिन अभी वो बोल नहीं पाती है तो उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई है और हमने मुकदमा भी दर्ज है और अभी उसको जेल हो गई। फहीम एक रिक्शा चालक है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ इतना भी पता नहीं चला, ज़्यादा लोगों से वो बात नहीं करता। उसकी माँ का कहना है कि वो डिप्रेशन का मरीज है, कि वो अपहरण किया गया, उसने कोई कारण नहीं बताया। वो उलझल उल बातें कर रहा था कि मैं इसको अजमेर लेके गया था दरगाह शरीफ पे, तो थोड़ा वो भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।